पता नहीं था कि वीडियो वायरल होगा, हम लोग ऐसे ही बनाते थे। उतना तो पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि वीडियो कैसे बनाते हैं। बस मोबाइल लिए और बनाए, पता नहीं था वायरल हो गए हैं। लेकिन अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों साहिल के और तीर भाई के गांव। यहां पे एक छोटा सा पुल है, उसे पार करके अभी हम गांव के अंदर पहुंचने वाले हैं। और ये है उनके शुरुआती गांव का नज़ारा। यहां से हमें लेफ्ट साइड में जाना है और राइट साइड में भी एक गली है। अभी हमने लेफ्ट साइड ले लिया है। गांव में प्रवेश करते ही हमने साहिल भाई के मम्मी को मुलाकात किया था। रास्ते में ही उनको हमने पहचान लिया क्योंकि उनको हम वीडियो में देखे थे। उन्होंने बताया कि ये वाला रास्ता उनके घर की तरफ जाएगा और साहिल भाई अभी घर पे हैं, ऐसा कुछ बताया है मम्मी ने। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद हम उनके घर के बहुत ही पास अभी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम अपना बाइक रखने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं साहिल के वर्त्य के गांव। यह है उनका घर और इस तरह से उनका रास्ता है। और कुछ बच्चे लोग भी यहां पे उनके घर जा रहे हैं। और बाहर में कुछ इस तरह का फूल से रास्ता को सजाया गया है और इस तरफ कुछ नहीं है। और यहां पे देख सकते हैं ये इनका घर का रास्ता है। ये देखिए उनका घर। और यहाँ पे बच्चे लोग हाय बोल दो। हाय हाय देख सकते हैं यहाँ पे इनका घर। और भाई यहाँ पे एक वाला यहाँ पे एक वीडियो बनाए थे, आपको पता होगा। और ये देखिए इसमें भाई इंस्टाग्राम रील बनाते हैं। ये है उनका स्टैंड। अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ भाई लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से मिलाएंगे। यह है उनका कमरा। ये देखिए यहाँ पे सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। हाय बोल दे यार। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल तेजू वर्ग ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम पहुँच चुके हैं कुबेरी कोना में, जहाँ पे आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में एक भाई थे जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। आज हम उनके घर पहुँच चुके हैं। ये सारे लोग खड़े हुए हैं, ये उनका पूरा टीम है। धनंजय ठाकुर, गंगा प्रसाद कामत, राजेश्वर स्वरूप। तो आप लोगों ने देखा कि ये सारी टीम जो है मिलकर वीडियो बनाते हैं। और इनका एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ था। और कौन सा वीडियो वायरल हुआ था बताए? छत्तीसगढ़ में हमारा वीडियो बनाए थे जो मुसो दही वाला वीडियो है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, वो वायरल हुआ था हम लोग का दुकान वाला। अभी भाई से हम कुछ सवाल करेंगे। तो अभी छत्तीसगढ़ में आपका वीडियो जो वायरल हो रहा है, अभी आपके गांव वाले जो देख रहे हैं, उससे आपको किस तरह की खुशी जो महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को पता नहीं था कि वीडियो वायरल होगा। हम लोग ऐसे ही बनाते थे, उतना तो पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि वीडियो कैसे बनाते हैं। बस मोबाइल लिए और बनाए, पता नहीं था वायरल हो गए हैं, लेकिन हो गए वायरल। अच्छा लगता है देखते हैं। तो अभी आपके माँ बाप जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं? बस उन्हीं लोगों के तो आशीर्वाद है जिससे वीडियो वायरल हुआ है। और पूरा सपोर्ट देते हैं, मेरे मम्मी पापा पूरा सपोर्टिंग है और आशीर्वाद उन्हीं का है। और हमेशा खुश रहते हैं कि वीडियो वायरल हो गया, अच्छा कर रहे हो। और अप्रोच करते हैं कि वीडियो बनाते हो, बढ़िया बनाओ, मेहनत करो और आगे बढ़ो, इसलिए आशीर्वाद उन्हीं। तो आपने देखा कि अभी जो हमारे उड़ीसा साइड में भी इनका जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है। तो अभी भाई लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि हम इतने दूर से आए तो इनकी खुशी क्या हो रही है? सबसे पहले तो भाई आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे गांव में। इतने दूर से आओ, बहुत दिल से खुशी मिल रही है मुझको कि क्या बताऊँ, इतने दूर से क्या बताऊँ यार। कितना ईयर पढ़े? मैं अभी BSc सेकेंड ईयर से निकला हूँ, फाइनल ईयर करने वाला हूँ। और आपके सारे दोस्त साथ में पढ़ते हो कि कैसे? अभी दोस्त साथ में ही थे, हम साथ में पढ़ते हैं एक ही क्लास में। तो इसके अलावा आपके टीम के और दो चार लोग भी होंगे? हाँ है, अभी हैं, लेकिन और खेती किसानी में काम में बिजी हैं, अभी नहीं आ पाए हैं। और मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मम्मी पापा अभी जैसे हमारे दुकान है, हम लोग ने तो देखा है, देखा है वहीं पर है, गए हैं। और पापा खेत गए हैं अभी।
साथ में सिस्टर भी काम करते हैं। हाँ सिस्टर फुल टाइम और एक ही लड़की थी जो आपके साथ काम कर रही थी, वो अभी कहाँ है? हाँ वो लड़की भी पढ़ाई करने सोना खान में है, अभी हॉस्टल में रहती है। तो रिश्ते में क्या लगती है? वो भी बहन है मेरी रिश्ते में। तो आप जिस वीडियो को पहला वायरल हुआ था वो उन्हीं की दुकान था? हाँ हाँ उन्हीं का दुकान था, उन्हीं के मतलब आइडिया इसे बना कि वीडियो बनाएंगे, इसे क्या दोनों के बीच बात हुआ तो बोली हाँ तो ठीक है। और वो लास्ट वीडियो था उसका, उसके बाद वो पढ़ाई करने चली गई, वायरल हो गया वीडियो। और उसके अलावा आप हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं? बस आप लोग का यार प्यार मोहब्बत बढ़िया लगा और वैसे ही आप सपोर्ट करने, आपसे ही दरख्वास्त है मेरी, थैंक यू यार आप सभी लोगों का। वैसे तो हमारा सपोर्ट बना रहेगा भाई, इतना दूर से आए हैं मिलने के लिए, और साथ में सिस्टर को भी कुछ सवाल करेंगे। हमारे ऑडियंस को अपना नाम बता देंगे। पुष्पा कहाँ? पहला वीडियो बनाया तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, और अभी वायरल होने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस अभी कैसा लग रहा है? पहले वीडियो बनाए तो उतना अच्छा नहीं था, अब वीडियो वायरल हुआ तो थोड़ा से और बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो पहले शुरुआत में कुछ भी करो तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी जो वायरल होने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और ऑडियंस का जो साथ भी है काफ़ी अच्छा मिलता है, तो उसी हिसाब से अभी भाई लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। तो अभी आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो पढ़ाई नहीं करती हूँ अभी, बारी पढ़ के छोड़ दी हूँ। आप बड़े हैं कि भैया? मैं बड़ी हूँ, भाई छोटा है। तो आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं वीडियो देख के? मेरी फ्रेंड लोग तो बहुत खुश हैं, लोग बोलते हैं अच्छा है, आगे बढ़ रही है, कैसे बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया भाई बहन एक साथ वीडियो बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में वायरल हुए हैं, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। और भाई लोगों को काफ़ी ज़्यादा हमारी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि हमारे इतने दूर से आए हैं और हमको इतना ज़्यादा टाइम दिए हैं। तो आप लोगों को हमने सारा यहाँ का जो ब्लॉग बना के दिखा दिया है, और साहिल भाई एक मेहमान की तरह हमारे अच्छे से खातिरदारी किए हैं और बिना खाना खाए निकलने नहीं दिए, और उनकी सिस्टर वहाँ पर हैं खाना बना के अभी हमको दिए हैं, और भाई लोग भी अभी साथ में हैं। ये देखिए अभी हम बाहर की तरफ निकलेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे एक लड़की जो कौन सा वीडियो था भाई, मुस्वादोई वाला में वायरल हुए थे, उनका घर दिखाएंगे और कौन सा दुकान में वो लोग बनाए थे वीडियो, वो सारा चीज़ें आपको रास्ते में दिखाते हुए चलेंगे। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए भाई लोग पहले से हैं, और ये इनकी बड़ी सिस्टर, और यहाँ पे उनकी मम्मी बैठी हुई हैं, ये देखिए उनकी मम्मी। अभी हम आंगन के नज़ारा भी थोड़ा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से है इनके आंगन का नज़ारा, और ये उनका घर, चारों तरफ का नज़ारा, और इस साइड में उनका बारी तरफ जाने का रास्ता है। साहिल भाई अपने होटल के लिए कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ में ही निकल चुके हैं। यहाँ पे उनका होटल है, आप लोगों को उनके होटल को पूरी तरह से दिखाएंगे, और यहाँ पे उनके मम्मी हैं, ये देखिए बहुत सारी भीड़ है उनके होटल के सामने, और उनकी मम्मी सामान दे रही हैं ग्राहकों को। आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं उनके होटल को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।